हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसी द फैशन पॉइंट में। आज मैं आपको रेन्यू मशीन की सेटिंग करना सिखाऊंगा, जो कि हमारी नॉर्मली मशीन आती है पिको की, उसकी सेटिंग करना सिखाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ नीचे आ जाती है और हम समझ नहीं पाते कि हमें इसे कितने नंबर पर रखना है, और ये भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कितने नंबर पर इसे चलाना चाहिए और धागा किस तरीके से निकलना चाहिए, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो देखिए, इसमें रहता है पाँच से एक से ले जीरो से लेके पाँच तक के। देखिए ये जो दिख रहा है नंबर जीरो से लेके पाँच तक के, तो हम इसे सेट करेंगे पौने तीन पे या फिर तीन पे। तो हम इसको तीन पे सेट कर लेते हैं, पौने तीन पर। इसको हम यहाँ से नट को अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं कि बाद में वो निकले ना। तो हमने ये नट टाइट कर दिया। अब जो ये चीज़ है, इसमें भी देख लीजिए, ज़ीरो से लेके सिक्स तक के बना हुआ है। ये ऊपर अगर अपन करते हैं, इस टाइप से ऊपर करते हैं, तो जो हमारी पिको के जो टिप आएंगे वो बड़े होते जाएंगे, और हम इसे जिस तरीके से नीचे करते जाएंगे तो छोटे होते जाएंगे। तो जीरो पे तो बिल्कुल ऐसा मतलब हलेगा भी नहीं ज़रा सा भी जगह से। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं डेढ़ या पौने दो पे। जहाँ तक कि बहुत अच्छी पिको होती है पौने दो पे, तो हम पौने दो पे से टाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं इस जगह पे, क्योंकि हम जगह पे इस जगह पे आ जाते हैं क्योंकि हम लाइलोन से पिको करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लाइलोन ही यूज़ हो रहा है। तो देखिए इस जगह से घुमाकर इसे इस तार में लगाकर इधर से ऐसा घुमाया जाता है, और फिर यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसमें दो छेद होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाले छेद का यूज़ करिए, और ये डायरेक्ट जाएगा सुई में। ये सुई में से हमने धागा निकाल लिया। तो अब हम एक साड़ी ले लेते हैं। देखिए साड़ी ले ली मैंने, ये साड़ी ले लेते हैं। इस पर पिको करके देखते हैं कि किस प्रकार से पिको आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी पिको हुई है। इसकी मोटाई गोलाई बहुत अच्छी हुई है, इतनी ही पिको होना चाहिए। एकदम बारीक पिको करके भी कोई मतलब नहीं आता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको बारीक पिको करना है तो आप इसको दो पे सेट कर लीजिए। ये जो चीज़ है इस पर दो पे सेट करेंगे तो आपकी और बारीक हो जाएगी, बट ये इतनी बारीक ठीक रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।